आपकी वीडियो है रेशियो, और रेशियो में आपका क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन रुपीज 750 इन द फॉर्म ऑफ रुपी नोट, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:8:4, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप। अब पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 750 रुपये हैं, उसमें रुपए के कॉइन भी है, पैसे के कॉइन भी हैं, और उनका रेशियो दे रखा है हमारा 5:8:4। तो अब इनको पूरा निकालना है कि हमारे पास कितनी वैल्यू है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम ये दोनों रुपए में है, ये दोनों पैसे में है, और एक अकेला ही रुपये में है, तो हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट रुपीज 1 = 100 पैसे, सो वी हैव 100 पैसे, 50 पैसे एंड 25 पैसे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 5x मल्टीप्लाई 100 पैसे बटे में 100। यहाँ 100 इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो हमारा आंसर है वो रुपीज़ में है, तो हम इनको कन्वर्ट करने के लिए 100 पर डिवाइड करेंगे, प्लस 8x मल्टीप्लाई 50/100 रुपये, प्लस 4x मल्टीप्लाई 25/100 रुपये ब्रैकेट इक्वल 750 रुपीज़। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ तो हमारा 100 से 100 कट जाएगा, इधर से ये 2 से कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ से ये 4 से कट जाएगा। तो अब हम इसको एक बार क्लियरली लिख देंगे, 5x मल्टीप्लाई 1 प्लस 8x मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 4x मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल्स 750 रुपीज़। अब हमने देखा यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, अब यहाँ कट रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 4x और इधर आ जाएगा 1x। एक बार इसको फ्रेशली लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 1x। तो अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10x। तो हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद अब जो x की वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई में होती है दोस्तों, तो और जब उधर जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट, हमारी वैल्यू आ जाएगी 75, और यही है हमारा आंसर। अब इस 75 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 8 से मल्टीप्लाई करना और 4 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।